गंभीर आरोप लगने के बाद वेस्ट दिल्ली में बीजेपी कर रही है बड़ा प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन वेस्ट दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा के नेतृत्व में हो रहा है। हम उनसे बात करते हैं, वो मौके पर मौजूद है। सर, कितना गंभीर आरोप है? भारतीय जनता पार्टी की एक देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई जन नेता देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के साथ मिलकर ऐसा धंधा चला रहा हो, जिस उसकी जनता ने उसको 3 बार विधायक बनाया, उसको जिताया, और उसी जनता के साथ में वो इतना बड़ा अपना सारा पाप कर रहा है। विशाल धरने के मंच वो गैंगस्टर को फोन करके बोलता है कि कौन से आदमी को फोन करना, कितने पैसे मांगना, और फिर वो अपना बीच में घुसकर उनकी साठगांठ का अपना मामला बनाकर फिर वो कहता है मैं तुम्हारा कम में निपटा दूंगा, और उसमें वो 30% खुद रखता है, 70% गैंगस्टर को पहुँचाता है। इससे बड़ा पाप शायद की देश की राजनीति में हो नहीं सकता, और जो नरेश बालिया ने किया है उसको शर्म आनी चाहिए। पीछे 15 अप्रैल को हमारे भी कार्यकर्ता सुरेंद्र मटियाला का मर्डर हुआ था, उसको 8 गोली लगी थी, उसमें भी बताते हैं कि इसी का हाथ है नरेश बालिया का, इसी ने सारी टिप दी थी ऐसा बताते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, और मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल इसको तुरंत ही बर्खास्त करें, मगर वो एक शब्द भी आज तक बोला नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये सारा पैसा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पास जाता होगा। मगर हमारी पुलिस से मांगे कि वो नरेश बालियान को गिरफ्तार करे और वो सीबीआई जांच करे, और इसमें और कितने इनके विधायक शामिल हैं वो भी सामने आना चाहिए। आज एक दिन का रहेगा या लगातार अभी चलता रहेगा? आज हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, इसके बाद में हम सारे उत्तम नगर की गलियों में जाएंगे, सारे लोगों को बताएंगे कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, जो इसका असली मास्टर माइंड था जो अपना नरेश बालियान, वो सबके सामने आ चुका है। आज के बाद में डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस कार्रवाई करेगी, जितने भी लोग इसमें शामिल थे सबको पकड़ा जाएगा। मंत्री जेल में, विधायक पे इस तरह का आरोप, किस तरह से दबाव बनाएंगे? सरकार अपने आप को अभी भी ईमानदार कह रही है। मुझे लगता है थोड़े दिन में आम आदमी पार्टी का कार्यालय तिहाड़ जेल ही बन जाएगा, क्योंकि उनके सारे मंत्री, सारे विधायक जिस तरीके से जेल जा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब उनका मुख्यमंत्री भी जेल जाएगा। तो अभी अरविंद केजरीवाल से जो है गंदा आदमी इस अपना धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ, जितना गंदा वो आदमी निकला है, कितने वायदे करके, कितने झूठ बोलकर भोली वाली जनता को उसने बेवकूफ़ बनाया, और आज उसके लोग सारे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, और वो उसको अपना बचाने की कोशिश कर रहा है, इससे पता लगता है कि वो भी शामिल है। ये थे हमारे साथ सांसद परवेश वर्मा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक अरविंद केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि आने वाले दिनों में भी ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।